हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोडवेज कर्मचारी का विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी, थमे रहे बसों के पहिए। रोडवेज संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने आगार के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी की, सरकार की नीतियों का विरोध किया। रोडवेज बसों के पहिए चौथे दिन भी थमे रहे। मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मांगों को पूरा नहीं करने पर रोष जताया। बसों का संचालन बंद होने से बस स्टैंड पहुंचे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दो तीन दिन से परेशान हो रहे, रोज आ रहे हैं हम। हमारी बच्ची वहाँ गीताजी में पढ़ रही है, उसके पास में पैसा भी नहीं है, पैसा भिजवाना है, वो में दिक्कत आ रही है। यात्रियों को गंतव्य के लिए निजी और प्राइवेट वाहनों का सहारा लेना पड़ा। रोडवेज कर्मचारियों के अनुसार गत 27 जुलाई को राज्य के परिवहन मंत्री यूनुस खान के साथ संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के बीच मांगों को पूरा करने के लिए करार हुआ था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसी के चलते प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ बस स्टैंड पर यात्री भार को है नहीं, धंधे पानी चल ले रहे हैं, खर्चे भी घर से देने पड़ रहे हैं, दुकानों किराया भाड़ा इतना ज्यादा है कि न कोई गवर्नमेंट सुनने को तैयार है, न कोई यहाँ के प्रशासन सुनने को तैयार है, न इनकी कोई मांगे पूरी हो रही है अभी तक कोई चीज के लिए। ये आगे कब तक चलेगा कोई मालूम नहीं चीज के लिए, अभी तक जहाँ तक भी चले जल्दी से सुनो इनकी, नहीं तो वापस ज्वाइनिंग दो ताकि ये बसें चले, रूट चले, यात्री परेशान नहीं हो, यात्री बहुत ज्यादा परेशान हो इस चीज के लिए। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।